नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और संगणक में टॉपिक था नहीं तो कई छात्रों ने इसको पढ़ा नहीं था। तो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझते हैं और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है दोस्तों। हाइपोथेसिस का हिंदी में शब्द होता है परिकल्पना। परिकल्पना मीन्स कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई वक्तव्य हो सकता है। तो जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पर है, सांख्यिकी परिकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता क्या है? तो दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी पॉपुलेशन के बारे में, समष्टि के बारे में कोई स्टेटमेंट देना किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो दोस्तों वो मेरी हाइपोथेसिस कहलाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर या अपनी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर हमसे कहता है कि आने वाले साल में देश की जीडीपी में इतनी परसेंट की ग्रोथ होगी, या जीडीपी इतनी प्रतिशत बढ़ेगी, या जीडीपी कुल इतनी रहेगी। तो दोस्तों, ये एक इसका स्टेटमेंट है, उसकी कल्पना है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए जो उसकी कल्पना है वो उसकी हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, ये किसी भी चीज़ के बारे में एक वक्तव्य है, कोई अनुमान है जो किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है। तो दोस्तों, हाइपोथेसिस देता कौन है? हाइपोथेसिस वैलिड कब मानी जाती है? जब कोई इन्फॉर्मेशन के आधार पर दी जाती है, जब उस टॉपिक से या उस सूचना से जुड़ा हुआ व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, या जो उस चीज़ के लिए अपॉइंटेड पर्सन है जिसका वक्तव्य का कोई महत्व होता है, वो हाइपोथेसिस के बारे में कमेंट करता है। तो दोस्तों, हाइपोथेसिस जैसे यहाँ आपकी डेफिनेशन है सांख्यिकी परिकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती क्या है? दोस्तों, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होती है? जैसा कि डेफिनेशन से आप देख रहे होंगे कि अज्ञात प्राचल थीटा के विषय में कोई कथन जिसको यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर परीक्षण करके स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है। जैसे दोस्तों, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अज्ञात प्राचल, जैसे मुझे अभी ये नहीं पता कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं डिफरेंट कोर्सेज के अंदर जो एनरोल्ड है, उनका एवरेज रिजल्ट क्या रहेगा, एवरेज परसेंटेज क्या रहेगी। दोस्तों, अज्ञात प्राचल का मतलब है जो मुझे अननोन पैरामीटर है, या जो मुझे ज्ञात सूचना नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो दोस्तों, अज्ञात प्राचल थीटा के विषय में तो मैंने बोल दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों का औसत रिजल्ट 70% या 75% रहेगा। तो अज्ञात प्राचल के विषय में कोई कथन जिसको, अब दोस्तों कथन तो हमने दे दिया, अब उस कथन का या उस स्टेटमेंट की टेस्टिंग की जाती है। क्या कहते हैं दोस्तों? उसकी टेस्टिंग की जाती है। और टेस्टिंग किसके आधार पर करते हैं दोस्तों? यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर उसकी टेस्टिंग करते हैं, रैंडम सैंपल के आधार पर उसकी टेस्टिंग करते हैं, और फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। हम सैंपल लेंगे, सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कुछ फॉर्मूला लगाएंगे स्टैटिस्टिक का। फॉर्मूला लगाने के बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे कि आगे हमारा प्रोसीजर होता है कि एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, टेबुलेटेड वैल्यू होती है। तो कैलकुलेशन के आधार पर या तो हमने जो स्टेटमेंट दिया है उसे या तो हम स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या उसे अस्वीकार करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है। तो दोस्तों, हाइपोथेसिस इज नथिंग, परिकल्पना कुछ नहीं है। परिकल्पना एक स्टेटमेंट है किसी भी सूचना के बारे में, जो अज्ञात सूचना है, प्राचल है, अज्ञात है हमारे पास। तो जैसे मैं अभी बोल सकता हूँ कि आने वाले जनरल इलेक्शन में बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर कोई उससे पॉलिटिकल पर्सन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रखता है, कोई फेमस न्यूज चैनल का एंकर है या कोई भी है, तो उस संबंध में अगर वो इन्फॉर्मेशन रखता है किसी सूचना के आधार पर, वो अपना स्टेटमेंट देता है कि लगभग इतनी सीटें उस पर्टिकुलर पार्टी को मिल जाएगी, तो दोस्तों वो उसकी हाइपोथेसिस होगी। फिर उसको सैंपल के आधार पर हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। तो अब दोस्तों, हाइपोथेसिस सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए, इसका एग्जाम में ज़्यादा कुछ लेना देना, इंट्रोडक्शन है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती क्या है। तो सम स्टेटमेंट अबाउट अननोन पैरामीटर थीटा इज नोन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, विच इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाई अ टेस्ट बेस्ड ऑन रैंडम सैंपल टेकन फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन से हम कुछ सैंपल्स लेंगे, उसके आधार पर एक टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के आधार पर या तो उसे रिजेक्ट करेंगे या उसे एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब दोस्तों, आने वाला जो हमारा पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है दोस्तों? परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है और किस किस तरह से होती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारे पास है शून्य परिकल्पना। दोस्तों, क्या है इसमें हमारे पास? शून्य परिकल्पना हमारे पास इसके अंदर है। तो
तो शून्य परिकल्पना दोस्तों हमारी क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी शून्य परिकल्पना क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नल हाइपोथेसिस, हिंदी में कहते हैं शून्य परिकल्पना। तो दोस्तों लिखा हुआ डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, शून्य अंतर की परिकल्पना, शून्य अंतर की परिकल्पना। तो इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज लिखा होता है, इंग्लिश में ए हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द नो डिफरेंस या शून्य अंतर, शून्य अंतर क्या है? तो दोस्तों इसको ध्यान से समझना है, शून्य अंतर की परिकल्पना क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी मेरी हाइपोथेसिस होती है, जो भी मेरा स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट को ही नल हाइपोथेसिस माना जाता है। मतलब जो मैंने बोला है और जो मैं हाइपोथेसिस ले रहा हूँ, जो टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, शून्य अंतर है। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों का औसत रिजल्ट 70% रहेगा, तो दोस्तों मैं बोल दूंगा कि मेरी जो नल हाइपोथेसिस है, हम आगे नोटेशन लेंगे जिसको एच नॉट से प्रदर्शित कर देंगे, काफ़ी हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे। तो मैंने लिख दिया कि एच नॉट बराबर म्यू इक्वस टू 70, मतलब एवरेज परसेंटेज, या पी बराबर 70, एवरेज परसेंटेज 70 रहेगी। तो दोस्तों वो मेरी क्या हो गई, वो मेरी हो गई नल हाइपोथेसिस, शून्य अंतर की परिकल्पना हो गई। या फिर दोस्तों लिखा हुआ है कोई परिकल्पना जिस पर विश्वास है तथा जिसको परीक्षण किया जाना है वह शून्य परिकल्पना कहलाती है, जिसको परीक्षण किया जाना है वह शून्य परिकल्पना दोस्तों कहलाती है, तथा इसको एच नॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको, इसको करते हैं दोस्तों एच नॉट के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको एच नॉट के द्वारा दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा, यहां पर दोस्तों अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ये एच नॉट आपका हो जाएगा। तो दोस्तों एच नॉट के द्वारा, एच नॉट बोल सकते हैं, एच जीरो बोल सकते हैं दोस्तों, तो एच नॉट के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों शून्य अंतर की परिकल्पना, जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एवरेज परसेंट 70 से अधिक रहेगी, जयपुर की मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर इस बार कुल बिल्डिंग्स या जो टोटल फ्लैट्स बिक रहे हैं उसमें एवरेज ग्रोथ इतने परसेंट की होगी, जो भी मेरा स्टेटमेंट है। तो दोस्तों स्टेटमेंट में और जो मैं हाइपोथेसिस चेक कर रहा हूँ, जो परीक्षण कर रहा हूँ, जो मेरा बिलीफ है, उसमें कोई अंतर नहीं है, शून्य अंतर है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए कहा गया शून्य अंतर की परिकल्पना, या कोई परिकल्पना जिस पर विश्वास है तथा जिसको परीक्षण किया जाना है वह शून्य परिकल्पना कहलाती है, तथा इसको एच नॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश देखे दोस्तों, ए हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस और ए हाइपोथेसिस विच बिलीफ एंड टेस्टेड, मतलब जिस पर मुझे विश्वास है। दोस्तों हाइपोथेसिस टेस्ट तब की जाती है, मतलब जो स्टेटमेंट होता है कहीं ना कहीं उस पर बिलीफ होता है, ताकि हम उसको फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए टेस्ट तो करते हैं, ताकि टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास क्या प्रॉपर एविडेंस है या नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। तो उस एविडेंस के आधार पर हम आगे उस कमेंट को चेक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस कमेंट पर बिलीफ होता है, तभी हम सोचते हैं कि हाँ ये सही होगा, चलो चेक करके इसको देखते हैं। तो जिसका मतलब ये जनरल वे में दोस्तों मैं समझाने के तरीके से बोल रहा हूँ आपको, कि हाइपोथेसिस विच इज बिलीफ एंड टेस्टेड इज नोन एज नल हाइपोथेसिस एंड डिनोटेड बाय एच नॉट। तो दोस्तों ये हमारी बात हुई शून्य अंतर की परिकल्पना, या शून्य परिकल्पना जो हमारा स्टेटमेंट है। तो कई बार एग्जाम में डेफिनेशन जाते हैं कि शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस के होते, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, शून्य अंतर की परिकल्पना या कोई भी परिकल्पना जिसको संभावित रिजेक्शन के लिए या संभावित अस्वीकार या स्वीकार करने के लिए लिया जाता है, वो भी मेरी शून्य परिकल्पना। क्योंकि दोस्तों शून्य परिकल्पना को ही हम या तो रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद आती है हमारी वैकल्पिक परिकल्पना। इसके बाद दोस्तों हमारी क्या आती है, इसके बाद हमारी आती है वैकल्पिक परिकल्पना। दोस्तों वैकल्पिक परिकल्पना क्या होती है, वैकल्पिक परिकल्पना के अंदर वैकल्पिक परिकल्पना दोस्तों हमारी, इसे दोस्तों बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो दोस्तों शून्य परिकल्पना के विपरीत, शून्य परिकल्पना के विपरीत जो परिकल्पना ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। शून्य परिकल्पना के विपरीत जो परिकल्पना ली जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वैकल्पिक परिकल्पना हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो अगेंस्ट स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा 70% रहेगी, तो 70% नहीं रहेगी, इसका मतलब कुछ और स्टेटमेंट। कुल मिला के दोस्तों जो नल के अगेंस्ट है वो मेरी अल्टरनेटिव है। उदाहरण के लिए अब दोस्तों मैंने एक साथ दोनों लिया है, शून्य का डेफिनेशन और अल्टरनेटिव का।
जैसे म्यू बराबर म्यू नोट, दोस्तों एक नोटेशन फॉर्म है म्यू बराबर म्यू नोट, जैसे मैं म्यू बराबर यहाँ 10 भी ले सकता हूँ, म्यू नोट एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो करता है। जैसे मैंने बोल दिया म्यू बराबर 70, म्यू बराबर 70, तो दोस्तों ये मेरी एच नोट है, दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? इसे कहते हैं दोस्तों नल हाइपोथेसिस, इसे कहते हैं। अब नीचे लिखा हुआ एच वन, दोस्तों किसी भी नल के अगेंस्ट में, किसी भी नल के अगेंस्ट में, किसी भी शून्य परिकल्पना के अगेंस्ट में तीन प्रकार की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है, मैक्सिमम स्टेटमेंट तीन हो सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों कितने हो सकते हैं? तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बोल दिया म्यू बराबर 70, जैसे यहाँ म्यू बराबर म्यू नोट लिखा हुआ है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 70, म्यू इज नॉट इक्वल टू 70, या फिर क्या ले सकते हैं कि म्यू ग्रेटर देन 70, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों म्यू इज लेस देन म्यू नोट। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो केवल नल और मतलब एक नल के आधार पर उसको टेस्ट नहीं करते हैं, कि उसका रिजेक्शन रीजन कहाँ पर है, उस रिजेक्शन रीजन को डिफाइन करता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हमारी वैकल्पिक परिकल्पना उसको डिफाइन करती है कि मेरा रिजेक्शन रीजन कहाँ पर है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो रिजेक्शन रीजन के आधार पर ही हम कहेंगे कि उसका हाइपोथेसिस जो है मेरी, तब जाके कंप्लीट हाइपोथेसिस बनती है। तो दोस्तों एच नॉट और एच वन मिला के हम परीक्षण, दोनों हाइपोथेसिस डिफाइन करने के बाद ही हम आगे परीक्षण के लिए तैयार होते हैं कि रिजेक्शन रीजन कहाँ पर है। तो दोस्तों दोनों को मिला के बनती है कंप्लीट हाइपोथेसिस। क्या बनती है? कंप्लीट हाइपोथेसिस बनती है। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने तीन हाइपोथेसिस ली है, आगे जाके हम पढ़ेंगे परीक्षण के प्रकार। तो दो तरह के परीक्षण होते हैं दोस्तों, एक होता है वन टेल और एक होता है टू टेल, जिसको एक पक्षीय द्विपक्षीय परीक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये दोस्तों मैंने लिया है इसके अल्टरनेटिव, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, एक मैंने यहाँ पर ये लिया है, एक लिया है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, एक लिया है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, फॉर एन एग्जाम्पल। अब दोस्तों नॉट इक्वल टू वाला जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, इनमें से कोई एक होगी, तीनों नहीं होगी, इनमें से कोई एक होगी और करके लिखा, या तो ये या तो ये या तो ये, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों ये नॉट इक्वल टू वाले जो हाइपोथेसिस है, ये कहती है मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, कम होगा तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों एग्जैक्ट रिजल्ट उसे यहाँ पर चाहिए, तो कम भी नहीं चलेगा और ज्यादा भी नहीं चलेगा। दोस्तों आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाइपोथेसिस कैसे, उसका जो रिजेक्शन रीजन है वो उसके नेचर पर डिसाइड होता है कि हम उसे रिजेक्ट कहाँ करेंगे। फॉर एन एग्जांपल दोस्तों सपोज करो कि आपके घर में कोई फिटिंग है, पर्टिकुलर फिटिंग है, उसमें कोई स्क्रू लगता है और उस स्क्रू की साइज, या आपके मोटर पार्ट में या कार के अंदर कोई स्क्रू है जो डैमेज हो गया और उसकी साइज है दोस्तों 1 इंच की या हाफ इंच की उस स्क्रू की साइज है। अब दोस्तों क्या होता है, आप मार्केट में गए, आप मार्केट आप कि हाफ इंच का जो मोटाई का साइज मुझे एक स्क्रू चाहिए जो मेरा डैमेज हो गया है, वो स्क्रू या बोल्ट जो आप उसको लेने गए मार्केट में, और आपने उसे कहा कि मुझे हाफ इंच का मतलब 0.5 इंच का एक स्क्रू चाहिए मोटाई का, ताकि वो मेरे मोटर पार्ट्स में जो भी खराब है उसमें फिट हो जाए। तो दोस्तों आपसे अगर वो दुकानदार कहता है कि नहीं भाई हाफ इंच का तो मेरे पास नहीं है, जिस रेट में हाफ इंच का उस रेट में तू 1 इंच का ले जा, तुझे उसी रेट में दे दूंगा, तो क्या आप उसे परचेज करोगे? क्या उसे परचेज नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हाफ इंच का स्क्रू है तो मुझे हाफ का ही चाहिए, क्योंकि वो वही हमारी उसमें फिट होगा, मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। वो बोलेगा हाफ इंच का नहीं है कि भाई 0.25 इंच के दो स्क्रू ले जाओ उससे काम चला ले, तो क्या उससे पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो सम कंडीशंस ऐसी होती है कि मुझे न तो कम चाहिए न मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे एग्जैक्ट ही चाहिए, तो उस केस में रिजेक्शन रीजन दोनों साइड दोस्तों होता है, या फिर कोई एक इंटरवल होता है कि इसके और इसके बीच में, उससे कम होगा तो रिजेक्ट करूंगा, उससे ज़्यादा होगा तो भी रिजेक्ट करूंगा, तो वहाँ भी आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो बोथ साइड आपका होता है। तो दोस्तों जैसे सपोज करो कोई क्वालिटी मैटर्स है, कोई जैसे माना कि दूध है, मिल्क है, मिल्क में जो दोस्तों फैट साइड डिसाइड होती है कि फैट 10-12% होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अगर 10 से कम होगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, 12 से ज़्यादा होगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। कुछ ऐसा रीजन हो सकता है कि उसमें कुछ मिलावट की गई तो उसमें बहुत ज़्यादा है इस कारण से। तो दोस्तों अगर रिजेक्शन रीजन बोथ साइड है हमारा, तो हम टेस्टिंग करेंगे टू टेल टेस्ट। तो रिजेक्शन रीजन अगर एक ही साइड है, माना कि रिजेक्शन रीजन केवल राइट साइड है, केवल राइट साइड है, तो उस केस में दोस्तों राइट टेल करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या हुआ, आपसे किसी ने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट लाना है जिसमें उसका जो वजन है वो 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपने 7 kg या 1 kg से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कोई प्रोडक्ट आपको मीट करता है क्योंकि 7 kg ज़्यादा आप उसमें होल्ड नहीं कर सकते, उसका वेट बढ़ जाएगा, तो उस केस में आपका रिजेक्शन रीजन क्या होगा कि हमें अगर इससे ज़्यादा kg का होगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, इससे कम का होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे दोस्तों लेफ्ट टेल के अंदर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है कि मैं एडमिशन पॉलिसी उसके अंदर 70% वाले छात्रों को मैं एडमिशन देता हूँ कि मिनिमम 70 यहाँ पर चाहिए, तो दोस्तों उस केस में 70 से अधिक परसेंटेज वालों को तो एडमिशन दे दिया जाएगा। रिजेक्शन रीजन कहाँ होगा? 70 से लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों उस केस में आगे हम वन टेल और टू टेल में इसकी डिटेल में और बात करेंगे। तो रिजेक्शन रीजन अगर दोनों तरफ है तो दोस्तों ये वाली हाइपोथेसिस आएगी, रिजेक्शन रीजन राइट साइड में है कि मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, कम में ले लूंगा, तो दोस्तों राइट टेल आएगा। रिजेक्शन रीजन लेफ्ट में है तो ज्यादा मुझे चल जाएगा तो मैं लेफ्ट टेल लूंगा। तो दोस्तों आगे टेल की बात करेंगे टेस्टों की। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोस्तों टेस्ट के नेचर पे डिपेंड करती है कि टेस्ट हमारा कैसा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो एच नोट क्या है दोस्तों? जो हमारा स्टेटमेंट है शून्य अंतर की परिकल्पना, वो एच नोट है। उसके अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट है वो हमारी एच वन है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और दोनों को मिला के हमारी एक कंप्लीट हाइपोथेसिस बनती है जिसको हम टेस्ट करते हैं आगे जाके। अब आते हैं दोस्तों सरल एवं संयुक्त परिकल्पना क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस हमारे यहाँ पर क्या होती है? तो दोस्तों सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है? एक परिकल्पना जो यादृच्छिक चर के बंटन को पूर्ण रूप से व्यक्त करे, एक परिकल्पना जो यादृच्छिक चर के बंटन को पूर्ण रूप से व्यक्त करे तो उसे सरल परिकल्पना कहते हैं। ए हाइपोथेसिस विच इज कम्प्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोस्तों क्या मतलब है इसका? जैसे सपोज करो कोई भी आपसे कोई बुक पब्लिशर है या कोई भी कोचिंग पर्सन है, वो आपसे एक स्टेटमेंट देता है कि भाई इस बुक के अंदर से लगभग 80% मटेरियल आपका एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसने कहा 80% क्वेश्चन आपको इस बुक से आपको मीट करेंगे, या इस बुक को आप पढ़ोगे तो 80% क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो उसने स्टेटमेंट दिया है ये उस बंटन को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि 80% मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो व्यक्ति कहता है कि इस बुक में से 50 से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब दोस्तों 50 से अधिक, अधिक का मतलब उसमें 51 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 53 भी, तो उसने लिमिट आगे की खाली छोड़ दी, 60 भी, 70 भी, 80 भी, तो 50 से अधिक कितना? उसने उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई ना करके एक रीजन दे दिया कि इतने से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो दोस्तों वो क्या है? वो कहलाएगी मेरी कंपोजिट। सिंपल जो बराबर है एक्चुअली जो बताए, एग्जैक्ट जो बताए वो सिंपल परिकल्पना है या सिंपल हाइपोथेसिस है। और अगर वो उसको कम या ज़्यादा या रीजन में दे, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसमें से लगभग 70 से 90% आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक आपको रीजन दिया गया 70 से 90। तो कम्प्लीटली स्पेसिफाई ना होकर एक रीजन है, तो 70 के बाद 90 तक वो कुछ भी हो सकता है, वो उसके अंदर छुपा हुआ है, मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, तो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। तो जो बराबर वाली होती है जो पूर्ण रूप से व्यक्त करे वो सिंपल हाइपोथेसिस है, और जो दोस्तों कंपोजिट फॉर्म में संयुक्त फॉर्म में व्यक्त करे वो मेरी दोस्तों क्या कहलाती है? जो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करती है, दिस इज कॉल्ड, जो पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करे वो संयुक्त परिकल्पना कहलाती है। तो दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे म्यू बराबर 10, सिग्मा स्क्वायर बराबर 4। तो जनरल वे में सामान्यतः दोस्तों जो बराबर वाली होती है वो सिंपल हाइपोथेसिस होती है। तो ऐसा नहीं हाइपोथेसिस में एक ही स्टेटमेंट चेक किया जाता है, एक बार में दो पैरामीटर भी हम ले सकते हैं, जैसे म्यू बराबर 10, सिग्मा स्क्वायर बराबर 4, म्यू बराबर म्यू नॉट कि इस पॉपुलेशन का मीन तो 10 है और वेरियंस 4 है। इसी तरह से म्यू बराबर 0, सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा नॉट स्क्वायर, पी बराबर P4। यहाँ दोस्तों प्रोपोर्शन है, आगे हम प्रोपोर्शन टेस्ट पढ़ेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर उसकी आपकी इंफॉर्मेशन का या कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट क्वालिटी का प्रोपोर्शन, जैसे मैंने कह दिया जयपुर शहर में जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनका प्रोपोर्शन 1/2 है, हाफ प्रोपोर्शन है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा स्टेटमेंट है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर रहे हैं हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को या यादृच्छिक चर के बंटन को। दोस्तों बंटन इज नथिंग कि लगभग उसके अंदर इतना प्रोपोर्शन है, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। और दोस्तों संयुक्त परिकल्पना क्या होती है? संयुक्त परिकल्पना में हमारा एक भी स्टेटमेंट अगर संयुक्त है, जैसे यहाँ पर ये बराबर है लेकिन ये लेस देन है, ये कम्प्लीट स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो ये हाइपोथेसिस अपने आप में कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाएगी। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी कंपोजिट कहलाएगी दोस्तों, ये भी कंपोजिट कहलाएगी, ये भी कंपोजिट कहलाएगी और ये भी कंपोजिट कहलाएगी। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों समटाइम्स हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। एक हाइपोथेसिस आपको देते हैं कि ये एच नोट है, अब बताओ कि ये सरल है या संयुक्त है। तो सरल और संयुक्त आप इजीली दोस्तों यहां से पहचान सकते हैं। अब दोस्तों यहां नोट डाल के एक स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहां पर ज्यादातर विद्यार्थी दोस्तों गलती करते हैं क्योंकि
बुक्स में जो स्टेटिस्टिक वाले विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, तो शून्य परिकल्पना या जो सिंपल है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस से जनरली इक्वेस टू साइन लिए होती है, उनका जो चिन्ह होता है जनरली बराबर वाला होता है, तो वो ये सोचते हैं कि शून्य परिकल्पना हमेशा सिंपल ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शून्य परिकल्पना तथा वैकल्पिक परिकल्पना दोनों ही सरल एवं संयुक्त परिकल्पना के रूप में हो सकती है। मीन्स नल एंड अल्टरनेटिव बोथ कैन बी, बोथ हाइपोथेसिस, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, बोथ हाइपोथेसिस मे बी सिंपल और मे बी कंपोजिट। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, नल हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आता है, शून्य परिकल्पना होती है उसमें दोस्तों होता है केवल सरल होती है, केवल संयुक्त होती है, या सरल एवं संयुक्त तो दोनों हो सकती है। दोस्तों हमारा आंसर आएगा सिंपल हाइपोथेसिस भी हो सकती है और आपके कंपोजिट मतलब सरल एवं संयुक्त दोनों हो सकती है। दोस्तों अभी मैंने देखा, देखो ये मेरी नल हाइपोथेसिस है, ये तो संयुक्त है और ये हमारी सिंपल है, इसका मतलब दोस्तों हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सिंपल भी हो सकती है और संयुक्त भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चार चीजें मैंने यहाँ पढ़ाई, पहली पढ़ाई दोस्तों नल हाइपोथेसिस, तो नल हमने पढ़ा, शून्य परिकल्पना इसे कहते हैं, शून्य अंतर की परिकल्पना, फिर हमने पढ़ा अल्टरनेटिव जिसे वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं, शून्य के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट होगा वो वैकल्पिक परिकल्पना का होगा, फिर दोस्तों हमने पढ़ा सरल एवं संयुक्त। सरल क्या होते हैं दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करे बिल्कुल क्लियरली तो वो मेरी सिंपल है, और क्लियरली नहीं करे तो वो कंपोजिट है, और उनके एग्जाम्पल्स आपको मैंने यहाँ पर दिए। अब दोस्तों हमारे पास आते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जनरली बनता है टाइप्स ऑफ एरर से। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है कि परिकल्पना परीक्षण में त्रुटियों के प्रकार, परिकल्पना परीक्षण में त्रुटियों के प्रकार, एक तो दोस्तों परिकल्पना परीक्षण में कितने प्रकार की त्रुटि होती है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कितने प्रकार की एरर होती है इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यहीं से एग्जाम में बन जाता है कि परिकल्पना परीक्षण में कितने प्रकार की एरर होती है। तो दोस्तों परिकल्पना परीक्षण में दो प्रकार की एरर हमारी पाई जाती है। पहली इसमें दोस्तों इसका नाम है प्रथम प्रकार की त्रुटि, टाइप फर्स्ट एरर। पहले क्या दोस्तों, प्रथम प्रकार की त्रुटि टाइप फर्स्ट एरर। दूसरी हमारे पास है द्वितीय प्रकार की त्रुटि जिसे हम कहते हैं टाइप सेकंड एरर। अब दोस्तों ये त्रुटियां क्या है, कैसे इनको हम डिफाइन करते हैं, मैं आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा कि शून्य परिकल्पना ना छोड़ बोल के मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया वो तो शून्य है। तो मैं दोस्तों आपसे कहूँ कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया या किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया जो उसकी शून्य परिकल्पना है, और उसे परीक्षण के आधार पर आपने क्या कर दिया दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी मुझे ट्रू वैल्यू तो पता है ही नहीं। जैसे मैंने क्या किया, या किसी व्यक्ति ने या न्यूज एजेंसी ने स्टेटमेंट दिया कि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी या उसे इतनी सीट मिलेगी, ये उसका स्टेटमेंट है। उसने कहा कि बीजेपी को इतनी प्रतिशत सीटें मिलेगी या इतनी सीटें मिलेगी, ये दोस्तों उसका स्टेटमेंट है। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा परिकल्पना जो मेरी हाइपोथेसिस उसको टेस्ट करेंगे कैसे, सैंपल लेके। तो फिर उसके लिए सर्वे किया गया, कुछ सैंपल्स दिए गए कि भाई आप किसको वोट दोगे, आप किसको वोट दोगे सैंपल के आधार पर। अब सैंपल दोस्तों सैंपल होता है, पूरी पॉपुलेशन का तो होता नहीं है, मतलब पूरी पॉपुलेशन में से स्मॉल फ्रैक्शन हमारा सैंपल होता है। तो उसके परीक्षण के आधार पर मैंने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की, कुछ स्टेटिस्टिक्स लगाई, कुछ फॉर्मूले लगाए, और उसके आधार पर मुझे डिसीजन मिला कि साहब जो स्टेटमेंट था वो रिजेक्ट हो गया। वो स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों, रिजेक्ट हो गया, मतलब हमने हमारी नल हाइपोथेसिस, हमारे शून्य परिकल्पना को क्या कर दिया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, जो जो स्टेटमेंट दिया गया था उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब होता क्या है, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन पर पता चलता है कि भाई बीजेपी को उसने कहा था उतनी सीटें मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वी रिजेक्ट आर एच नॉट, हमने हमारी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जबकि वो सही थी। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट सही था और उसे अस्वीकार कर दिया गया। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड एरर, और दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, इसे कहते हैं प्रथम प्रकार की त्रुटि।
आपने क्या किया, एक सही स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों त्रुटि हो गई, क्या कर दिया, सही स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो त्रुटि हो गई। इसी तरह से क्या हुआ, ये कहलाते हैं दोस्तों प्रथम प्रकार की त्रुटि, मतलब सही को रिजेक्ट करना, अस्वीकार कर देना। दूसरा द्वितीय प्रकार की त्रुटि क्या है दोस्तों, अब ये फिक्स है, हम इसको सेकंड नहीं कह सकते, सही को रिजेक्ट करना प्रथम प्रकार की त्रुटि ही कहलाएगी। अब दोस्तों दूसरा क्या डिसीजन हो सकता है, डिसीजन ये हो सकता है कि हमने हमारी नल हाइपोथेसिस को या वक्तव्य को स्वीकार कर लिया, और जब फाइनल रिजल्ट आया या कुछ भी, जब मुझे जब पता चला फाइनली, तो पता चला कि वह गलत था, तो हमने क्या किया, हमने शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जबकि वो गलत थी। दिस इज दोस्त, ये भी दोस्तों क्या कहलाती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड टाइप ऑफ एरर। तो दोस्तों सही को रिजेक्ट करना मतलब ट्रू को रिजेक्ट करना फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, और गलत को एक्सेप्ट करना सेकेंड टाइप ऑफ एरर। बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है, कि अगर हमारी कोई हमारा वक्तव्य शून्य परिकल्पना सही थी उसको अस्वीकार कर दिया गया तो एरर हो गई, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। सही को अस्वीकार किया फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, और गलत को स्वीकार किया सेकेंड टाइप ऑफ एरर। सही को स्वीकार किया नो एरर, गलत को रिजेक्ट किया नो। दोस्तों चार स्टेटमेंट हम यहाँ पढ़ते हैं, और चार स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट तो बनेंगे एरर और दो स्टेटमेंट बनेंगे नो एरर। ये चारों चीज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे पूरा कनेक्शन पूरी हाइपोथेसिस यहीं से जुड़ी हुई है। चारों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, आइए बोर्ड पर। दोस्तों परिकल्पना परीक्षण में दो प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसमें दोस्तों पहला क्या है, प्रथम प्रकार की त्रुटि, शून्य परिकल्पना, प्रथम प्रकार की त्रुटि। अब दोस्तों ये जो है, ये प्रथम और द्वितीय इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते कि इसको हम पहला इसको द्वितीय कहते हैं, पहली पहली रहेगी द्वितीय द्वितीय रहेगी। तो दोस्तों अभी अभी मैंने कहा था कि सही को अस्वीकार करना, तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, शून्य परिकल्पना एच नॉट सत्य हो परंतु उसे अस्वीकार कर लिया जाता है तो क्या कहलाती है दोस्तों, प्रथम प्रकार की त्रुटि कहलाती है। मतलब रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, इसको दोस्तों स्लैश फॉर्म में भी लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, मतलब एच नॉट हमारी ट्रू थी और उसे हमने रिजेक्ट कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। क्लियर है दोस्तों, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान से समझना है कि शून्य परिकल्पना सही थी या सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया तो कौन से प्रकार की त्रुटि होगी, तो दोस्तों आएगी प्रथम प्रकार की त्रुटि। फिर दोस्तों द्वितीय प्रकार की त्रुटि देखते हैं, द्वितीय प्रकार की त्रुटि क्या है दोस्तों, कि शून्य परिकल्पना असत्य हो, मतलब हमारी एच नॉट गलत हो परंतु उसे हमने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, मतलब एच नॉट गलत थी उसे स्वीकार कर लिया, या एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, एक ही बात है दोस्तों दोनों, तो उसे हमने अगर स्वीकार कर लिया जो कि असत्य थी, दोस्तों गलत को आपने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर भी हमसे कहीं कहीं गलती हुई है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड टाइप ऑफ एरर। दोस्तों आई होप आपको दोनों प्रकार की त्रुटि समझ में आ गई होगी, और दो स्टेटमेंट और हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, अगर एच नॉट गलत है उसे रिजेक्ट कर दिया, अच्छा काम किया, गलत को रिजेक्ट करना हमारा अच्छा प्रोसेस है, सो नो एरर। सही को स्वीकार करना, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो दोस्तों वो भी नो एरर कहलाएगी। तो दोस्तों टेबल बनी हुई है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ये चार स्टेटमेंट जो है वो काफी इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीजन, मतलब डिसीजन क्या होगा, आपके पास चार यहाँ पर दोस्तों बुक्स बने हुए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ एच नॉट इज ट्रू, यहाँ लिखा हुआ एच नॉट इज फॉल्स, यहाँ रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ एक्सेप्ट एच नॉट। तो दोस्तों ये देखिए, मैं बोलता हूँ कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दोस्तों अगर मैं यहाँ देखूंगा तो क्या आएगा, इसके सामने और इसके नीचे देखेंगे तो दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या कहता है, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया जबकि वो ट्रू थी, तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टाइप फर्स्ट एरर। मैंने रेड निशान में इसलिए लिख रखा क्योंकि ये एरर है, एरर को मैंने रेड से कि खतरा, तो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब मैं बोलता हूँ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, एच नॉट गलत थी उसे रिजेक्ट कर दिया तो दोस्तों क्या कहलाएगी, नो एरर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नो एरर कहलाएगी। फिर दोस्तों नीचे है एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो दोस्तों एच नॉट को एक्सेप्ट किया जबकि वो सही थी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नो एरर। इसी तरह से दोस्तों एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, तो ये कहलाएगी दोस्तों टाइप सेकंड एरर। तो टेबुलेशन फॉर्म में चार स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आई होप आपको चारों स्टेटमेंट समझ में आ गए, तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, चार स्टेटमेंट हमारे पास हैं और चारों को हम आसानी से यहाँ पर
काम कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की जो त्रुटि हमारी है ये हमारे बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। दोस्तों जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड। तो दोस्तों हमारी दो प्रकार की त्रुटि और दो प्रकार की जो नो एरर है वो हमको मैंने समझाई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्रांतिक क्षेत्र क्रिटिकल रीजन। दोस्तों आप देख सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में स्टार्टिंग का पोर्शन ही काफ़ी है, इसी पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है दोस्तों क्रांतिक क्षेत्र, कि क्रांतिक क्षेत्र क्या होता है। इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलते हैं क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल रीजन या फिर रिजेक्शन रीजन, क्रांतिक या अस्वीकार्य क्षेत्र। तो दोस्तों क्रांतिक या अस्वीकार्य क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, हमने बात करी शून्य परिकल्पना की। तो दोस्तों शून्य परिकल्पना जो हमारी है, यूं मान के चलो हमारी शून्य परिकल्पना ही एक तरह से देखा जाए तो शून्य परिकल्पना काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा स्टेटमेंट होती है, और उस स्टेटमेंट को हम संभावित रिजेक्शन के लिए और उसको एक्सेप्टेंस करने के लिए वाकई वर्कआउट करते हैं। तो दोस्तों क्रांतिक क्षेत्र क्या होता है, जहां पर हमारी शून्य परिकल्पना एच नॉट को अगर अस्वीकार कर दिया जाए तो वह क्षेत्र हमारा कहलाता है दोस्तों क्रांतिक क्षेत्र या क्रिटिकल रीजन या अस्वीकार्य क्षेत्र। जैसे मैंने कहा कि भाई एडमिशन लेने के लिए 70% नेसेसरी, तो हमारा अस्वीकार्य क्षेत्र कहाँ हो गया या क्रिटिकल रीजन होगा, 70 से कम परसेंटेज वाले अगर जहाँ जाएंगे वहाँ हमारा सारा अस्वीकार्य क्षेत्र कहलाएगा। तो दोस्तों वह क्षेत्र जहाँ पर प्रतिदर्श मूल्य सांख्यिक के जाने पर या पढ़ने पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, वह क्षेत्र कहलाता है क्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट किया जाता है अस्वीकार किया जाता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आंसर आएगा क्रांतिक क्षेत्र या क्रिटिकल रीजन। दोस्तों जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है रीजन वेयर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ सैंपल पॉइंट्स लाइज दैट रीजन देन इट इज नोन एज क्रिटिकल रीजन। नेक्स्ट होता है दोस्तों स्वीकार्य क्षेत्र, एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस रीजन। तो वह क्षेत्र जहां पर एच नॉट को स्वीकार कर लिया जाता है वह स्वीकार्य क्षेत्र कहलाता है रीजन द वेयर वी रिजेक्ट आर एच नॉट, हम हमारी एच नॉट को या नल हाइपोथेसिस को जहां स्वीकार करते हैं वह एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। तो दोस्तों देखो मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, रिजेक्ट एच नॉट डब्ल्यू से इसको डिफाइन करते हैं जनरली, डब्ल्यू से या कैपिटल सी से, कैपिटल सी से क्रिटिकल रीजन बनता है तो W से भी डिफाइन करते हैं जनरल वे में नोटेशन फॉर्म में, तो W इज क्रिटिकल रीजन एंड W बार इज एक्सेप्टेंस रीजन। तो ये क्षेत्र तो मेरा हो गया क्रिटिकल रीजन जहां मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, और ये क्षेत्र हो गया दोस्तों मेरा एक्सेप्टेंस रीजन जहां मैं एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन एंड एक्सेप्टेंस रीजन। दोस्तों हाइपोथेसिस में हम लोग रिजेक्शन प्रोसीजर अपनाते हैं हमेशा, हम ये कहते हैं कि हम जब भी टेस्ट करते हैं तो उसे रिजेक्शन करने के लिए एविडेंस ढूंढते हैं एक तरह से, हम उसका कि हमारे पास इसके लिए कोई सबूत है क्या प्रॉपर, तो हम टेस्ट करते हैं सैंपल के आधार पर और हमें उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस मिलता है तो हम बोलते हैं कि हम हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि वी मे एक्सेप्ट एच नॉट, मतलब हम हमारी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं, मतलब शून्य परिकल्पना सही हो सकती है। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट इसमें परीक्षण के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ टेस्ट, कि हमारे कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है इसमें द्विपुच्छ परीक्षण, ये दोस्तों पेस का गायब है, सॉरी फॉर दिस।
यह दोस्तों द्विपुच्छ परीक्षण या द्विपक्षीय परीक्षण, द्विपुच्छ परीक्षण या द्विपक्षीय परीक्षण, टू टेल्ड टेस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि टू टेल्ड हमारा क्या होता है, उसको डिटेल में वापस से बात करेंगे। टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है दोस्तों? वह परीक्षण जिसमें अस्वीकार्य क्षेत्र प्रतिदर्शी बंटन के दोनों तरफ दाई और बाई तरफ स्थित हो, द्विपुच्छ परीक्षण कहलाता है। तो रीजन मतलब दोस्तों, इफ रिजेक्शन रीजन इज बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देन दिस इज नोन एज टू टेल्ड टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अब आगे यहाँ पर एक मैंने एल्फा फॉर्म में लिख रखा है, आगे हम एल्फा की बात करेंगे। एल्फा क्या होता है दोस्तों? एल्फा हमारा साइज ऑफ द टेस्ट होता है, कि टेस्ट का साइज कितना होगा उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे एल्फा के बारे में। तो अभी एक बार समझ लो, हमारा एल्फा टेस्ट का साइज है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एल्फा टेस्ट का साइज है, तो रिजेक्शन रीजन और यहाँ पर जो एल्फा की वैल्यू है वो 0.5% है। यहाँ मैंने लिख नहीं रखी क्योंकि एक सिंपल वे में समझाना, अगर टेस्टिंग में बात करेंगे तो एल्फा की वैल्यू एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पर 0.05 है, मतलब 5% है। तो क्योंकि रिजेक्शन रीजन बोथ साइड हो गया, तो रिजेक्शन रीजन बोथ साइड होने के कारण क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट में अल्फा बाई टू हो गया और राइट में अल्फा बाई टू। तो अल्फा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अल्फा बाई टू एंड अल्फा बाई टू। तो 5% मतलब दोस्तों प्रोबेबिलिटी रूल वन होती है, 5% का मतलब 0.05 प्रोबेबिलिटी में अगर ले तो 0.05 का दो पार्ट आधा हो गया 0.025, इसका आधा हो गया 0.025। सो दिस इज अल्फा बाई टू एंड अल्फा बाई टू। तो बोथ साइड दोस्तों इसका रिजेक्शन रीजन है, तो दिस इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट। तो टू टेल्ड टेस्ट कब होगा? जब नॉट इक्वल टू का साइन होगा, मतलब लेफ्ट में भी रिजेक्ट करेंगे और राइट में भी रिजेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये जो पार्ट हमारा यहाँ है 1 माइनस अल्फा, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सेप्टेंस रीजन। क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस रीजन। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो ये आपका दोस्तों है एक्सेप्टेंस रीजन। तो रिजेक्शन रीजन अल्फा बाई टू, रिजेक्शन रीजन अल्फा बाई टू, बीच में आएगा एक्सेप्टेंस रीजन। दोस्तों ये कहलाता है टू टेल्ड टेस्ट। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, एक पुच्छ या एक पक्षीय परीक्षण वन टेल्ड टेस्ट की क्या बात करेंगे दोस्तों? वन टेल्ड टेस्ट की बात करेंगे। तो वन टेल्ड टेस्ट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाम पुच्छ परीक्षण, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। लेफ्ट टेल्ड टेस्ट इज नथिंग दोस्तों, यदि अस्वीकार्य क्षेत्र केवल बाई तरफ हो, देखो केवल यहाँ इसका अस्वीकार्य क्षेत्र बाई तरफ है, केवल बाई तरफ हो, इफ रिजेक्शन रीजन इज लेफ्ट साइड, देन दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टेल्ड टेस्ट या बाम पुच्छ परीक्षण इसे हम कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों देखिए, म्यू बराबर म्यू नोट मैंने लिया है, तो H1 रिजेक्शन रीजन केवल लेफ्ट में, म्यू बराबर म्यू नोट और म्यू लेस देन म्यू नोट, तो अगर म्यू नोट से छोटी कोई वैल्यू आएगी तो उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसका रिजेक्शन रीजन देखोगे तो केवल लेफ्ट साइड है, पूरा राइट साइड जो है वो ब्लैंक है, मतलब एक्सेप्टेंस रीजन है। इसी तरह से दोस्तों होता है दक्षिणी पुच्छ परीक्षण, तो राइट टेल टेस्ट, यदि अस्वीकरण क्षेत्र या अस्वीकार्य क्षेत्र या रिजेक्शन रीजन केवल दाई तरफ हो, सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो वन टेल्ड या वन राइट टेल टेस्ट, मतलब इसका जो दोस्तों रिजेक्शन रीजन है वो राइट में है। तो देखो वहां पर मैंने दोनों साइड अल्फा बाई टू लिया था, लेकिन यहाँ पर इधर भी अल्फा है, यहाँ लिख नहीं रखा लेकिन यहाँ इधर अल्फा है, तो इसमें दोस्तों पूरा पूरा आपका जो टेस्ट है, पूरा पूरा रिजेक्शन रीजन अल्फा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो लेफ्ट साइड में होती है। तो दोस्तों आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट टेल और राइट टेल और टू टेल टेस्ट क्या होता है। अब आते हैं दोस्तों सार्थकता स्तर, ये परीक्षण के आकार क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा कंसेप्ट यहां से आएगा, लेकिन यहां वापस दोस्तों हमने जो टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी थी वो वापस हमारे यहां किसी न किसी रूप में काम में आएगी। तो दोस्तों सार्थकता का स्तर या परीक्षण का आकार क्या होता है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो दोस्तों सार्थकता स्तर या परीक्षण का आकार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अल्फा जो है वो हमारी साइज ऑफ द टेस्ट है। तो दोस्तों किसी भी टेस्टिंग के अंदर हम जब टेस्टिंग करते हैं तो अल्फा प्री डिसाइडेड फिक्स होता है, इसका एक कारण भी है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हमारी दो प्रकार की त्रुटि होती है, उन दोनों प्रकार की त्रुटियों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कम नहीं कर सकते, क्योंकि पहली त्रुटि को हम कम करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी, उसके कितने रेशो में बढ़ेगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यह कि हम एक त्रुटि को कम करेंगे तो दूसरे में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, इसी तरह से दूसरी में कुछ कमी करेंगे तो पहले बढ़ जाएगी। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में परीक्षण में दोनों प्रकार की त्रुटियों को एक साथ कम नहीं कर सकते,
इस कारण से पहले प्रकार की त्रुटि जो होती है उसको तो फिक्स कर देते हैं और द्वितीय प्रकार की त्रुटि को कम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहले तो पढ़ते हैं कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस साइज ऑफ द टेस्ट होता क्या है। इसे दोस्तों एक तो कहते हैं सार्थकता स्तर। ये दोस्तों टेस्ट का सिग्निफिकेंस और टेस्ट की सार्थकता कितनी है उसके बारे में बात करता है कि टेस्ट का सार्थकता स्तर सार्थक है या नहीं है, उस टेस्ट का क्या रिलेवेंस होगा, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होगी, उसके बारे में ये बात करेगा। इसे परीक्षण का आकार भी कहते हैं, साइज ऑफ द टेस्ट भी कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, प्रथम प्रकार की त्रुटि होने की प्रायिकता, प्रथम प्रकार के त्रुटि होने की जो प्रायिकता है वो कहलाती है दोस्तों परीक्षण का आकार या सार्थकता स्तर कहलाती है, तथा इसको एल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने कहा था ना कि जो हमारी त्रुटियां हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो दोस्तों त्रुटियों के आगे मैंने प्रोबेबिलिटी लगा दिया तो दोस्तों ये बन गई एल्फा, टेस्ट का साइज। जैसे मैं बोलता हूँ कि त्रुटि तो क्या है, जैसे मैंने बोल दिया रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, कि हमारी शून्य परिकल्पना सही थी और उसे रिजेक्ट कर दिया जाए तो प्रथम प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होगी। लेकिन इस प्रथम प्रकार के त्रुटि के उत्पन्न होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब उसकी मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी एच नॉट सही होने के बाद भी मैं कुछ काम करूँ और वो सही होने के बाद भी उसे रिजेक्शन मिल जाए या वो रिजेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। मैं बोलता हूँ कि साहब उसकी 5% प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम सही होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाओ। तो दोस्तों ये मेरे कहलाती है साइज ऑफ द टेस्ट, और इसका मतलब 95% तो मेरा एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी है और 5% मेरे रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों रिजेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है एच नॉट के, उसी को हम टाइप फर्स्ट एरर कहते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी को ही एल्फा कहा जाता है, और इस एल्फा को ही साइज ऑफ द टेस्ट या परीक्षण का आकार कहा जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टाइप फर्स्ट एरर क्या है। अब आपसे मैं कहूँ कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है जबकि वो सही थी तो वह क्या कहलाएगी, तो हमारा आंसर होगा प्रथम प्रकार की त्रुटि। मैं बोलता हूँ शून्य परिकल्पना सही थी जबकि उसे अस्वीकार कर दिया जाए, उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, तो हमारा आंसर आएगा अल्फा या सार्थकता स्तर या परीक्षण का आकार। तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी उसमें इंक्लूड होगी वो सार्थकता स्तर दोस्तों बन जाएगी। आगे इसमें क्या है दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर है विश्वसनीयता स्तर। तो हमें इसे याद रखना है कि अल्फा हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों विश्वसनीयता स्तर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे अभी मैंने कहा कि मेरा वर्क सही होने के बाद भी, मतलब स्टेटमेंट सही होने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 5% है तो वो एक्सेप्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 95%। तो दोस्तों ये जो 95% है दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, 95% मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा स्टेटमेंट सही होने के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। और जो है वो अल्फा क्या है, वो साइज है, वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एरर है, वो एरर की प्रोबेबिलिटी है कि इतनी एरर हो सकती है, तो उसे कहा गया साइज ऑफ द टेस्ट और इसे कहा गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है दोस्तों, विश्वसनीयता का स्तर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दोस्तों मैंने कहा था हमारे पास चार स्टेटमेंट होंगे, उन चारों स्टेटमेंट के बारे में यहां बात की जाएगी। मैं अभी और क्लियर कर दूंगा साइड में लिख के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, सो दिस इज कॉल्ड 1 माइनस एल्फा। दोस्तों एल्फा क्या थी, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, कि एच नॉट देखो पीछे दोनों में ट्रू आ रहा है, तो ये तो है एल्फा, ये रिजेक्ट की प्रोबेबिलिटी है, और एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगी 1 माइनस एल्फा, दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी 1। तो दोस्तों देखा जाए तो ये क्या है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, कि एच नॉट ट्रू था उसके बाद भी, एच नॉट ट्रू था उसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो हमने इसे कहा था वहां पर नो एरर। इसे क्या कहा था दोस्तों, इसे कहा था नो एरर, और ये जो नो एरर की प्रोबेबिलिटी है ये मेरी 1 माइनस एल्फा है। क्लियर दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं इसमें परीक्षण की क्षमता, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होती है। तो दोस्तों 1 माइनस बीटा को पावर कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, 1 माइनस बीटा को पावर कहा जाता है, और ये 1 माइनस बीटा को पावर कहा जाता है, लेकिन बीटा यहां पर क्या है वो डिफाइन करना जरूरी है। तो दोस्तों 1 माइनस बीटा इज नॉन एज पावर ऑफ द टेस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पावर ऑफ द टेस्ट इज बीटा एल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस एल्फा, तो हमारा आंसर होगा 1 माइनस बीटा। क्लियर दोस्तों, तो बीटा यहां पर क्या है, वेयर बीटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकेंड एरर।
तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप फर्स्ट एरर तो है अल्फा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर मतलब द्वितीय प्रकार के त्रुटि होने की जो प्रायिकता है, द्वितीय प्रकार के एरर के त्रुटि होने की जो प्रायिकता वो हमारी दोस्तों है बीटा, और उसको वन में से माइनस कर देंगे तो वो दोस्तों मेरी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पावर ऑफ द टेस्ट। और वन में से माइनस करने के बाद जो दूसरा नो एरर था, चार स्टेटमेंट थे, पहले फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, फिर नो एरर, तो सेकंड जो नो एरर था वो तो बना वन माइनस अल्फा, फिर था सेकंड, फिर था नो एरर, इस स्टेटमेंट के अंदर वापस आते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी टेबल थी, इस टेबल के अंदर देखो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये टाइप फर्स्ट एरर की जो प्रोबेबिलिटी है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, दिस इज अल्फा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, ये वाली देखो, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये तो ये जो नो एरर है ये है दोस्तों वन माइनस अल्फा, ये तो है अल्फा, ये है वन माइनस अल्फा, और ये है दोस्तों बीटा, और ये है वन माइनस बीटा, ये क्या है वन माइनस बीटा, कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, तो ये दोस्तों है वन माइनस बीटा। तो आई होप आपको चारों स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। अब इसे पावर क्यों कहा गया दोस्तों, बीटा तो क्या है मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर, तो अगर वन में से माइनस कर दूंगा तो मेरी पावर आ जाएगी, या इसको मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, तो ये तो है दोस्तों मेरी बीटा, और रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ये है वन माइनस बीटा। और पावर दोस्तों क्या होती है, इसको व्यवहारिक तरीके से अगर हम समझे, देखो सही को सही कहना कोई बड़ी बात नहीं है, सही को सही कहना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ ये कॉन्फिडेंस को शो करता है, तो इसे कॉन्फिडेंस लेवल कहा गया कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को वन माइनस अल्फा कहा गया। लेकिन दोस्तों जो गलत को गलत कह दे, जो गलत को गलत, जैसे आपका बॉस आपसे कहता है कि नहीं ये करो, तुम बोलो नहीं बॉस, बॉस गलत बोल रहा है, तो आपने बोल दिया कि ये गलत है, तो ये पावर कहलाती है, गलत को जो गलत कहे वो मेरी पावर है। तो इसका मतलब गलत होने के बाद उसे रिजेक्ट कर दे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज कॉल्ड वन माइनस बीटा, और इसे दोस्तों हम बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है दोस्तों तो ये चार चीजें आपको मैंने समझाई, एक तो चार स्टेटमेंट जहां पर था टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर, दो नो एरर के स्टेटमेंट थे वो आपको आना चाहिए, इसके अलावा उनकी प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो एक बन जाएगी अल्फा, एक बनेगी वन माइनस अल्फा, एक बनेगी बीटा, एक बनेगी वन माइनस बीटा। तो दोस्तों ये वाला लेक्चर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूँ आगे का पोर्शन लेकर। थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं दोस्तों।